So hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the new lecture that is computer memory. तो last lecture में हमने computer memory के कुछ important चीज़ें discuss की थी. तो आज इस video में हम और concepts discuss करेंगे, then अरिहंत computer awareness book की जो theory है उसमें proceed करेंगे. और अगर आपको ये series अच्छी लगती है तो do like, share and subscribe this channel ताकि मैं in future थोड़े दिन तक दिशा publication का भी explanation इसी way में लेके आऊँ और कुछ और चीज़ें add करके लेके आऊँ. plus अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें यहाँ पर add हो सकती हैं तो comment section में आप comment कर सकते हो, मैं try करूँगी पूरा उस तरह से teach करने का. एंड द सेकेंड थिंग इज़ RRB, IBPS, PO, क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. और जितना ज़्यादा इस प्लेस्ड को सपोर्ट मिलेगा उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वर्क करने के लिए. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. कंप्यूटर मेमोरी पे हम आते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, ठीक है. एक तो हो गई प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो होती है यही आपकी आ जाती है मेन मेमोरी में. अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, रैम एंड रोम. अब रैम एंड रोम आते तो प्राइमरी मेमोरी में ही हैं, ठीक है. ये दोनों प्राइमरी मेमोरी में आ रहे हैं बट रैम और रोम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इग्नोर द आउटसाइड वॉइस क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो काफ़ी शोर है, ठीक है. रैम और रोम यहाँ पे ये मेन मेमोरी के पार्ट हैं दोनों ही, बट रैम और रोम में बहुत डिफरेंस है. रोम इनबिल्ट होता है, जो कंपनी ने डाल दिया. ये सिर्फ रीड कर सकते हैं हम, इसमें हम कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते. इसीलिए रोम क्या होता है, एक तो परमानेंट होता है, देन नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है. और इसका बिजली के साथ कोई लेना देना नहीं होता. बिजली आए तो भी रहेगा, जाए तो भी रहेगा. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कोई कनेक्शन नहीं है रोम के साथ. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रोम पे यही क्वेश्चंस बनते हैं. और ये लास्ट टू ईयर के जो JKSSB एग्जामिनेशन हुए हैं वहीं से कंप्यूटर मेमोरी के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वे में डाले हैं, ठीक है. रैम आ गया, मैंने बोला था ए को उल्टा करो वी. इस तरह से इस ट्रिक को याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने वो राम भगवान वाली ट्रिक बताई थी कि वो कहाँ है आसमान में, तो जब वेपर्स बनते हैं तो वो आसमान में जाते हैं ना, तो ऊपर जा रही है चीज़ तो वो वोलाटाइल है, तो ऊपर भगवान है तो राम वोलाटाइल. उसके बाद इसी में दो आती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक रैम, प्लस एक और भी है SD रैम. ये आपने नहीं पढ़ा होगा ये चीज़ बुक्स में, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एक स्टेप आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी फास्ट है. मैंने बताया था डायनामिक रैम यानी कि अनस्टेबल, ठीक है. डायनामिक रैम मीन्स अनस्टेबल. तो ये जो है अब अनस्टेबल चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो वो अच्छी नहीं होएगी. स्टैटिक रैम इज़ गुड एज कम्पेयर टू द डायनामिक रैम. उसके बाद यहाँ पे रोम में आते हैं P-ROM, EP-ROM, EEPROM. EEPROM में यहाँ पे UV रेज का यूज़ होता है इरेज करने के लिए मटेरियल. ये वाला तो इरेज हो ही नहीं पाता. और EEPROM में इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसको इरेज करने के लिए. प्राइमरी मेमोरी में रैम में आ गया DRAM, SRAM, SD RAM. SD RAM में भी DDR1 ये इसकी आ जाती हैं, ठीक है. और रोम में P-ROM, EP-ROM एंड EEPROM. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेट टेप. ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है सेकेंडरी मेमोरी को लेके. एंड SA स्टोरेज. तो सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ आपका स्टोरेज पर्पस के लिए होता है. मैंने बताया था मेमोरी कैन बी परमानेंट, कैन बी टेम्पररी, ठीक है. जस्ट लाइक रैम, रोम. रोम इज परमानेंट, रैम इज टेम्पररी. तो इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी. मेमोरी जैसे हमारी यादें हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, बचपन की यादें हैं, कुछ हमें याद रहती हैं, कुछ नहीं. हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल ओल्ड मेमोरीज. तो कुछ मेमोरीज हमें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं. तो मेमोरी में, मेमोरी और स्टोरेज में यही डिफरेंस है कि मेमोरी टेम्पररी, परमानेंट कुछ भी हो सकती है, बट स्टोरेज इज ऑलवेज ऑलवेज परमानेंट. लाइक हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कोई पेन ड्राइव यूज कर लेते हैं, उसमें हमने डाटा फिट करके रख दिया, अब वो सेकेंडरी है, ठीक है. वो सेकेंडरी है इसीलिए उसमें परमानेंट स्टोरेज हो रही है. बट अगर हमें प्राइमरी या मेन मेमोरी में, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं इसका अदर नेम कमेंट सेक्शन में बताना. जैसे सेकेंडरी को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में अगर हमें परमानेंट स्टोरेज लानी है तो उसके लिए बहुत कॉस्ट लगती है. इसीलिए हमेशा प्राइमरी या मेन मेमोरी जो है ये टेम्पररी ही रहती है क्योंकि
स्पेशली रैम, जैसे रैम है तो वो करंट हम जो काम कर रहे हैं, लाइक मैं पीपीटी बना रही हूँ, नॉनदलेस कि मैंने उस पीपीटी को सेव कर दिया, जब मैंने उस पीपीटी को बनाते बनाते एक पेज पे मैंने क्वेश्चन टाइप किया, उसको सेव कर दिया, तो वो सेव करना मतलब वो कहाँ चला गया, हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव में। बट अगर मैं बात करती हूँ रैम, तो प्रेजेंट जो वर्क हो रहा है मैं सेव क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रैम का कनेक्शन बिजली के साथ है, बिजली गई जैसे कंप्यूटर पावर सप्लाई के साथ चलता है, ठीक है। लाइट थी, मैं पीपीटी टाइप कर रही थी, एक पेज दो पेज लाइट गई, मैंने सेव नहीं किया था, वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। उसी सेम तरह लैपटॉप में भी होता है, आपने देखा होगा, आप पीपीटी बना रहे हो, वो बीओएस जो काम करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपने थोड़ा देर इधर उधर देखा, वो ब्लैक हो गई स्क्रीन, ठीक है, यानी पावर सप्लाई कट हो गई, आपको कंटिन्यूस काम करना होता है ना लैपटॉप पे, तो जैसे ही वो ब्लैक स्क्रीन होती है आप अपनी पीपीटी ओपन करते हो, एवरीथिंग इज इरेज, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिट जाती हैं क्योंकि पावर सप्लाई कट हो गई लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से। तो ये चीज़ें जिस पे हम करंटली काम कर रहे हैं वो आता है रैम में। नॉनदलेस मैंने उस पीपीटी को सेव कर दिया, तो वो सेव करके वो एक पेज कहाँ चला गया, हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो वहाँ पे स्टोर हो गया। तो जब मुझे लाइट चलेगी तो वो मेरे दो पेज अगर मैंने सेव किए थे वो हार्ड डिस्क ड्राइव में प्रेजेंट होंगे, मैं वहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर सकती हूँ। होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। देन आते हैं कि रैम है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, मेन लेटर, लेटर का रेफरेंस पूछा जाता है। जैसे रैम में ए क्या है, तो एक्सेस है, एक्सेस मतलब उठाना, एंड रैंडम मतलब कहीं से भी रैंडमली, तो ऐसी मेमोरी जो हम कहीं से भी उठा लेते हैं दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज रखता है, वही जिस पे हम प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। वही मैंने कमरे की एग्जांपल दी थी कि एक कमरे में कैपेसिटी है 10 लोगों की, ठीक है, हमें 10 नए लोग लाने हैं तो उन 10 लोगों को निकालना पड़ेगा ना, तो टेम्प्रेरी हमने रखा था उनको कमरे में, उनको बाहर किया, नए 10 लोग लेके आए, वही रैम है जिस पे प्रेजेंटली काम हो रहा है, तो ये टेम्प्रेरी होती है। स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग, वही कि जो एक्टिव यूज में है वही यहाँ पे स्टोर रहता है। पहले जो पुराने फोन होते थे उसमें क्या होता था, 2 GB RAM 4 GB RAM तक काम चल जाता था, क्योंकि पहले तो लोग इतना कुछ करते नहीं थे। बट अब 8 GB RAM जो है वो प्रेफरेबल रहती है, जिसको हम स्वीट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। स्वीट स्पॉट मतलब 8 GB RAM अगर है फ़ोन में तो आप इजिली वर्क कर सकते हो, स्टोर रख के चीज़ें। बट आपने देखा होगा फ़ोन में आ जाता है ना क्लियर योर रैम, तो क्लियर योर रैम मतलब कि आपकी रैम फुल हो गई है, आप नई वीडियोस नई एडिटिंग नहीं कर सकते, आप पहले पुरानी रैम अपनी क्लियर करो। तो 8 GB जो है वो एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट माना जाता है, और अगर आपको गेमिंग करनी है या हैवी बल्क में काम करना है, कैट कैम प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए 16 GB जो है वो प्रेफरेबल रहता है। देन यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी का ये पार्ट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मदरबोर्ड में। आपने अरिहंत का जो रिवाइज्ड एडिशन है नया वाला, वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, या जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं या सीपीयू बोलते हैं, तीनों एक ही चीज़ हैं, तो इसको वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। बट क्वेश्चन वहाँ पे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पूछा है, लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो वहां पे आंसर है मदरबोर्ड, क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर सीपीयू है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बट वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अगर हमने पीसीबी लिखना है तो हम हमेशा मदरबोर्ड को ही पीसीबी कंसीडर करते हैं, इट्स अ लार्ज पीसीबी जिसके अंदर ही आपका सीपीयू लगा हुआ है। देन ये कनेक्ट होता है सीपीयू के साथ, इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि जब सीपीयू को आइडल नहीं रखना है, सीपीयू को काम करते रहना है, तो वो काम करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए उसको डाटा चाहिए। तो डाटा वो कैसे उठाएगा, बस इंटरनल बस सब क्लियर कर दिया दो बार, अभी मैं बोलूंगी, वो डाटा उठाता है मेन मेमोरी से, इसलिए ये कनेक्ट रहता है सीपीयू के साथ। और फर्दर इसकी डिवीजन है रैम रोम में। अब टाइप ऑफ रैम क्या है, एस रैम डी रैम एंड एस टी रैम। स्टैटिक रैम बोलते हैं एस रैम को, ठीक है। डाटा यहाँ पे स्टोर होता है, और कितने ट्रांजिस्टर, गेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन गेट के पेपर से मैंने लिखा है कि 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल यहाँ पे होते हैं। यूज्ड एज कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है, उसका वीडियो डिस्प्ले हो जाएगा दोबारा से, कि कोई भी चीज़ मैं सर्च करती हूँ गूगल क्रोम यूट्यूब में, जो मैं बार बार सर्च कर रही हूँ, तो वो कैश मेमोरी या रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। रजिस्टर कैश से भी ज़्यादा फास्ट होता है, या तो वो रजिस्टर में रहेगा या कैश मेमोरी में रहेगा, और जब मैं नेक्स्ट टाइम टाइप करूँगी तो वो मुझे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, मैं डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके उस चीज़ को ओपन कर सकती हूँ, रेदर देन टाइप करने से, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बार बार टाइप की वो
कैश मेमोरी में चली जाती है फ्रीक्वेंटली यूज डाटा में, दैट इज द स्टैटिक रैम. कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड, यानी इसको कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत होती है. क्यों होती है? बिकॉज ये दोनों किसका पार्ट है? रैम का. अब अगर आपको क्वेश्चन आता है डायनामिक रैम, एसडी रैम या फिर स्टैटिक रैम, तो इन तीनों के तीनों को कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत रहती है. पे हम पढ़ेंगे डी रैम एंड एसडी रैम के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम, ठीक है. ये हाईली अनस्टेबल होती है और इतना ज़्यादा इसका इफेक्टिव यूज़, मतलब स्टैटिक रैम के कंपेरिजन में ये काफ़ी अनस्टेबल सी रहती है. क्यों रहती है? द रीज़न इज, सपोज दिस इज डायनामिक रैम, ठीक है. ये क्या करती है? रैम में आपने पढ़ा था कि करंटली जो काम होता है वो सारा, और इसका रिफ्रेश रेट बहुत हाई होता है. रिफ्रेश रेट हाई होना मतलब कि जैसे ही मुझे कोई काम करना है, ठीक है, जैसे मुझे 20 लोगों को एक रूम में लाना है जिसमें ऑलरेडी 10 लोग हैं, तो उन 20 लोगों को लाने के लिए मुझे फटाफट उन 10 लोगों को बाहर करना होगा, ठीक है, और उन 20 लोगों को अंदर लाना होगा कि मैं उनको उनके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, जो भी मुझे प्रोसेसिंग करनी है. तो डी रैम का बेसिकली यही काम है. ये इसका रिफ्रेश रेट बहुत हाई है, मतलब कि क्या रिफ्रेश रेट हाई होना मतलब ये बहुत जल्दी जो टेम्पररी डाटा होता है उसको डिलीट करता है, और जो रनिंग डाटा होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसको प्रोसेस करता है. इसीलिए इसमें डी रैम में इतना हैंग वगैरह चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी टेम्पररी स्टोरेज है, रिफ्रेश रेट हाई है, ये पुरानी चीज़ों को डिलीट करता है और जो भी हम नई चीज़ करेंगे उसको प्रोसेस करता है. और इसका डाटा स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, यूज्ड नाउ अ डेज इन कंप्यूटर, और वोलाटाइल है. वोलाटाइल टेम्पररी बताइए. नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड विद वोल्टेज रेगुलरली, वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की. और आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा रैम है जो रिफ्रेश करता है, जिसको मतलब रिफ्रेश होना होता है विद वोल्टेज रेगुलरली, तो वो है डी रैम. और कौन सा नहीं होता है? दैट इज एस रैम, स्टैटिक. और अगर पूछा जाए कि एस रैम फास्ट है या फिर डी रैम फास्ट है, तो कौन सा फास्ट है? एस रैम. क्यों? क्योंकि एस रैम, दैट इज स्टैटिक रैम, इज एसोसिएटेड विद कैश मेमोरी. तो कैश मेमोरी हमने पढ़ा था ना, फास्टेस्ट होती है, सबसे पहले आता है रजिस्टर, फिर आती है कैश. तो स्टैटिक रैम इज एसोसिएटेड विद कैश. डी रैम इज नॉट एसोसिएटेड विद कैश. अब जो कैश के साथ, कैश मेमोरी के साथ एसोसिएट होगा, दैट विल बी फास्टर. तो डी रैम का तो कोई एसोसिएशन नहीं है उसके साथ, एस रैम का है, तो एस रैम इज फास्टर देन द डी रैम. ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है JKSSB में. देन हम आएंगे एसडी रैम में. इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, बट आने के चांसेस हैं. सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, अभी जो मॉडर्न प्रोसेसर्स आ रहे हैं वहाँ पे एसडी रैम का यूज़ हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो इसमें प्रोसेसिंग अच्छी है, फास्ट है, और इसमें भी काफ़ी आगे वर्जन्स आ रही हैं. नेक्स्ट जनरेशन जो एसडी रैम की है, दैट इज़ DDR, और DDR की फुल फॉर्म आई हुई है पेपर में. एज सच एसडी रैम के बारे में नहीं पूछा गया है, बट DDR की फुल फॉर्म आई है JKSSB एग्जाम में, दैट इज़ डबल डाटा रेट. और पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था वहाँ पे DDR1 था तीनों जगह, एक जगह आएगा DDR1, DDR2, DDR3 इसकी टाइप्स हैं, एंड DDR4. हर जनरेशन में क्या हो रहा है, जो DDR रैम है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है विद द टेक्नोलॉजी, और जो पावर कंजप्शन है वो कम हो रही है. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन ईच जनरेशन ऑफ DDR रैम द स्पीड ऑफ द रैम, इस वॉज तो नहीं आएगा, अभी भी इंक्रीज हो ही रही है ना, तो इज इंक्रीज्ड एंड द पावर कंजप्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड. पावर सप्लाई कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है विद द प्रोसीडिंग टेक्नोलॉजी. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल बाय शेयरिंग दिस वीडियोस एंड प्लेस्ड विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको PDF, लेक्चर्स, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram. एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको इसी तरह, इससे भी बेटर डेडिकेटेड क्वालिटी वाइज प्लेस चाहिए दिशा पब्लिकेशन की कंप्यूटर बुक की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. क्योंकि अगर आप JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC CGL की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, तो अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन, ये दो किताबें मैंडेटरी हैं पढ़ना. प्लस अगर आपको एक डेडिकेटेड प्लेस चाहिए
बैंकिंग के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो वो भी मैं बना दूंगी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स. जैसा रिस्पॉन्स आएगा आई विल वर्क अकॉर्डिंगली. एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस. एंड आई विल सी, अगर अभी थोड़ा शोर कम होता है तो मैं और वीडियो बना दूंगी. ठीक है.